दिस रॉयल रंबल इज ऑल्सो विल बी अ शॉकर। तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि शॉकिंगली रिटर्न कर सकते हैं इस साल के रॉयल रंबल में, जो कि एक शॉक होगा। तो वेल लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सुपरस्टार से बात करते हैं। तो फर्स्ट सुपरस्टार है जिनके बारे में ज़्यादा रूमर्स है, इट्स विल बी अ ब्रॉक लेसनर। द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रह चुके हुए ब्रॉक लेसनर, जो कि इस साल के रॉयल रंबल में उनका पॉसिबिली हो सकता है हमें रिटर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि वो हमें रेसलमेनिया के बाद से अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। एंड मतलब साथ ही में MVP ने जो मतलब ट्वीट किया था उसके बाद से तो कुछ रूमर्स ज़्यादा ही बढ़ने लगे कि मे बी हो सकता है हमें ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिल जाए एंड ब्रॉक लेसनर को मे बी एलिमिनेट कर दे बॉबी लैशली, एंड फिर इसके बाद से हमें ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के बीच में स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए। अगर ऐसा WWE उनके बीच में प्लान कर रही है मैच को, तो मे बी ऐसा हो सकता है। तो फिर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो मे बी वो रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं, एंड जीतने के बाद तो रोमन रेंस को चैलेंज भी कर सकते हैं फॉर दी WWE यूनिवर्सल चैंपियन। बट चैंपियनशिप के लिए जाए तो उतना बेटर नहीं लगेगा, बट अगर बॉबी लैशली के साथ एक मैच मिले रेसलमेनिया में तो वो बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है। तो मे बी साथ से अगर WWE ऐसा चाहेगी तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाए रॉयल रंबल में, एंड फिर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। वेल तो नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार और कोई नहीं, द रेटेड आर सुपरस्टार एज है। वेल तो जैसा कि हमें पिछले साल एज का रिटर्न देखने को मिला था, एंड उनके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन भी हमें देखने को मिली थी रैंडी ऑर्टन के साथ में, तो मे बी हो सकता है इस साल हमें AJ स्टाइल के साथ में एक अच्छी स्टोरी लाइन देते हुए दिखाई दे, और रॉयल रंबल में ये बहुत ही अच्छा मौका होगा एज और एज के लिए, और AJ स्टाइल्स के लिए दोनों आमने सामने ही हो सकते हैं, एंड हो सकता है इसमें से AJ स्टाइल्स एलिमिनेट कर दे एज को, एंड फिर ऐसी भी स्टोरी लाइन बन सकती है। तो मे बी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इन दोनों के बीच में, अगर स्टोरी लाइन बनती है तो एज का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, और हो सकता है वो रॉयल रंबल भी जीत सकते हैं। तो जीतने के बाद किसी सुपरस्टार को चैलेंज कर दे फॉर दी चैंपियनशिप के लिए, तो देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या ऐसा मैच होगा कि नहीं होगा। वेल ऐसा WWE प्लान करेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वेल मे बी यहाँ पे रूमर्स उठ रहे हैं कि एज हमें रिटर्न देखने को कर सकते हैं, जो कि रिटर्न शॉकिंग रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है इनका रॉयल रंबल में। तो देखना देखते हैं क्या सही में रॉयल रंबल में रिटर्न होता है एज का या नहीं। तो वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार और कोई नहीं, वो है जिंदर महल। वेल तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि जिंदर महल ने रिटर्न किया था और उन्हें वापस से इंजरी हो गई थी, फिर वापस से उन्हें बैठना पड़ गया था। तो वेल इस बार हमें हो सकता है रॉयल रंबल में इनका रिटर्न देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंड रॉयल रंबल में जिंदर महल मे बी रॉयल रंबल जीत जाए। आई थिंक मतलब ऐसा तो मे बी पॉसिबली नहीं हो सकता, बट जिंदर महल के साथ कोई स्टोरी लाइन तैयार हो जाए तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या WWE जिंदर महल को रॉयल रंबल में रिटर्न करवाएगी या नहीं करवाएगी। वेल अगर रिटर्न करवा देगी तो बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन उनके लिए भी बन सकती है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अगर WWE कराती तो नहीं कराती, क्योंकि ये भी रिटर्न शॉकिंग रिटर्न होगा। तो वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार और कोई नहीं, 16 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना। वेल तो यार हमें जॉन सीना का रिटर्न मे बी पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है इस साल के रॉयल रंबल में, और ये रिटर्न शॉकिंग रिटर्न होगा, क्योंकि यार हमें जॉन सीना का मतलब जैसा कि हमें यूज़ देखने को मिला है, तो वेल फिलहाल बहुत ही सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिल सकता है इस साल के रॉयल रंबल में। एंड यार आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग रिटर्न होगा जॉन सीना ने अगर इस साल के रॉयल रंबल में रिटर्न कर दिया तो। तो वेल देखते हैं, अगर WWE चाहे तो ला सकती है जॉन सीना को, तो वेल अगर वो हॉलीवुड से मतलब फ्री हो तो हो सकता है वो रॉयल रंबल में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अपने रेसलमेनिया के लिए कोई अपोनेंट भी ढूंढते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेल ये तो लगता नहीं कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे, बट वो उनके लिए कोई अपोनेंट तो मिल सकता है। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार की बात करते हैं। वेल नेक्स्ट वन सुपरस्टार और कोई नहीं, जो कि बहुत ही शॉकिंग सुपरस्टार है, वो है ब्रे वाइट। वेल देखो यार, ब्रे वाइट जो कि रिटर्न हमें करते हुए दिखाई दे सकते हैं रॉयल रंबल में, और वो भी ऐसे तरीके से रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। वेल तो ब्रे वाइट का हमें जो कि तीन रूप में हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि पहला नॉर्मल ब्रे वाइट, फिर उसके बाद फायरफ्लाई बेन ब्रे वाइट, एंड इसके बाद द फिंड का रिटर्न दिखाई देखने को मिल सकता है। एंड यार ये इंटरेस्टिंग शॉकिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिटर्न होगा, क्योंकि पहला ब्रे वाइट आएंगे अगर इलिमिनेट हो गए, फिर उसके फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वाइट रिटर्न करे एंड वो भी इलिमिनेट हो जाए, वेल उसके बाद हमें देखने को मिले द फिंड का रिटर्न, एंड द फिंड हो सकता है तो शॉकिंगली इस रॉयल रंबल को भी जीत जाए, एंड फिंड वो चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी, या फिर वो गोल्डबर्ग हो, मतलब उनसे बदला लेने का मौका मिल जाए। अगर मतलब ड्रू मैकइंटायर को गोल्डबर्ग हरा देते हैं तो यहाँ पे फिंड को अपना बदला लेने का मौका तो मिल ही जाएगा यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर ऐसी स्टोरी लाइन बनी तो मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एंड फिन या तो ड्रू मैकइंटायर अगर चैंपियन रहे हैं तो मे बी उनके साथ हमें मैच देखने को मिल जाए द फिंड का, जो कि एक अच्छा मैच होगा। तो वेल देखते हैं क्या करती है WWE ब्रे वाइट का, अगर ऐसा रिटर्न होता तो मे बी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा रॉयल रंबल को भी देखना। तो वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो, एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड अपने ओपिनियंस भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।